टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल जानकारी के साथ जुड़े यह लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। टेक्निकल जानकारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, सभी हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ ऐसे व्यवहार के बारे में जिसके कारण आज मेरा जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप मेरा बैन हो गया है, प्रबंधित कर दिया गया है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ मुझसे गलती जो मेरा व्हाट्सएप प्रबंधित हो गया है, जो मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया है। तो दोस्तों ये जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को नीचे दिखे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने घंटे के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ये लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो प्रतिदिन अपलोड किया करता हूँ। दोस्तों वैसे तो हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करके ही रहना चाहिए क्योंकि आपको प्रत्येक दिन ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्या गलती हुई दोस्तों मुझसे, ऐसी कोई गलती नहीं हुई खास, लेकिन उसमें थोड़ा गलती मैंने ये कर दिया था। जैसे क्या कभी कभी ऐसा होता है कोई आपसे गलत व्यवहार करता है व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैट में, तो उस टाइम क्या करते हैं वो आपको थोड़ा सा इमोशनल होकर उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो उस टाइम जो है उल्टा सीधा बोलने से आपका जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप टीम आपको जो है बैन कर देती है, व्हाट्सएप टीम आपके अकाउंट को बैन कर देती है कि आपने ऐसा गलत किया है जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको गाली दे रहे हैं या कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। मैंने ऐसा ही कुछ किया था, मुझे ऐसा मतलब पूरी जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं प्राप्त हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन मैंने देखा तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया था व्हाट्सएप चैट में, इसी कारण मेरा व्हाट्सएप प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसा कुछ मत करिए, नहीं तो आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको अभी दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, और मैंने उनके पास मेल किया था तो मेल में मुझे जवाब मिला था कि आपने वो व्हाट्सएप के नियमों का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन करने से आपका व्हाट्सएप बैन कर दिया गया है। तो व्हाट्सएप को मैंने कहा कि सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, आप गलती से आपसे मिस्टेक हो गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। तो मुझे फिर से दोबारा मिलाया कि आपने ग्रुप में कुछ उल्टा सीधा बोला है तो उसी कारण आपका जो है उस ग्रुप से जो है आप व्हाट्सएप के नियम का उल्लंघन किए, उसके कारण आपका जो है व्हाट्सएप बैन कर दिया गया है। तो मैंने फिर कुछ नहीं जवाब लिखा, फिर मैंने ये भी नहीं पूछा कि मेरा व्हाट्सएप बैन कितने दिन में होगा। तो लगभग 3 महीने तक मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया गया, हैक क्या मतलब बैन किया गया, प्रबंधित कर दिया गया। 3 महीने तक हम उस नंबर से अकाउंट अपना नहीं लॉगिन कर सकते। दोस्तों जो व्हाट्सएप में जो मैंने उनके पास मेल किया था, उन्होंने जवाब क्या दिया, क्या लिखा है, वो सब इंग्लिश में था। हम आपको अभी स्क्रीन में दिखाएंगे, अपने मोबाइल स्क्रीन में लेकर के आपको दिखाएंगे कि मैंने उनके पास मेल किया था तो मेल में मुझे किस तरह जवाब आया, मैंने क्या लिखकर उनको भेजा था, तो सब हम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से ही इनको मेल किया था तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर पर रहते हैं, उस अकाउंट से अगर आप व्हाट्सएप बनाए रहते हैं, कहीं जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं उस टाइम जो जॉब मैनेजर होता है, जॉब मालिक होता है, तो जीएम तो आपको एक ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है कि आप जो है इसका नियम क्या है, इसमें अगला दिन क्या काम होने वाला है, इसलिए आपको ग्रुप के माध्यम से आपको इन्वाइट किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो अगर आप मान लीजिए ऐसी कुछ गलती करते हैं, आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है, तो जो आपके जो आप ग्रुप में शामिल हुए होते हैं तो उस ग्रुप से आप रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आपका जब अकाउंट बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली आप रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा ऐसी गलती मत करना जैसी गलती मैंने कर दिया। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और देखिए मैंने इनको मेल किया था और मेल करने के बाद मुझे जवाब क्या आया और मैंने गलती क्या की थी। तो चलिए दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन में आपको ले चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मेरा व्हाट्सएप प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो मेरा व्हाट्सएप कैसे बंद कर दिया गया है। तो आपको हम चलेंगे अपने व्हाट्सएप में, वहाँ पर हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पर लव मंगा है 2-3 बार इसको दे देते हैं, उसके बाद अपने नंबर कर देते हैं, नंबर गलती कर दिए तो यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं योर फोन नंबर +91 कंट्री कोड है और 87 38 91 97 14 इस बैंडेड फॉर्म यूजिंग व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट सपोर्ट फॉर है। तो मैंने सपोर्ट पर जब क्लिक किया था तो मुझे कुछ इस तरह के ईमेल प्राप्त हुआ, आपको दिखा रहे हैं मेरा ईमेल क्या है। दोस्तों बता दें कि यह ईमेल बिल्कुल भी आया है, तो इस ईमेल में लिखा गया है कि आपका जो है जो ईमेल प्रबंधित किया गया, पहले तो मैंने उनको उनसे पूछा तो कुछ उनका ठीक से जवाब नहीं आया, उसके बाद मैंने फिर दोबारा उनको भेजा है ईमेल, तो वो भी अभी आया लगभग 10-12 मिनट में देखने का। इसमें लिया गया, इसमें दिखाया गया है इसमें कि आपने जो है मेरे नियमों का पालन नहीं किया है तो इसलिए जो है आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया। हम आपको ये सलाह नहीं दे सकते हैं कि आप जो है
पालन करें और आपने मेरे जो भी नियम उन सभी नियमों का उल्लंघन किया है इस तरह से, इसलिए आपका जो है वो बंद कर दिया गया, इसलिए आपको व्हाट्सएप पर लिख दिया गया। तो मैंने इनको फिर मैंने मेल किया कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, ये मिस्टेक गलती से हो गया, ये जो गलत हुआ है गलती से हुआ है। तो अब इनका मेल देखिए क्या आ रहा है, कुछ ये देखिए इनका कुछ इस तरह का रीजन है, इनका इस तरह का मेल आया भी है जो मैंने भेजा, ये मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया तो इनका मेल ही आया है। तो दोस्तों इस तरह हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी कभी गलतियों से भी आपका मिस्टेक हो जाता है। बस दोस्तों ऐसा करता हूँ, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव हो इस वीडियो के प्रति या इस चैनल के प्रति तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर।